अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल एजुकेशन कॉर्नर पे। आज मैं एनालाइज करूँगा हबीब शुगर मिल्स कंपनी को, जो कि एक सब्सिडरी है हबीब ग्रुप का। हबीब बैंक, हबीब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हबीब कैपिटल इंश्योरेंस, हबीब कैपिटल मैनेजमेंट, हबीब इंश्योरेंस एंड देयर सो मेनी अदर कंपनीज जो कि इस ग्रुप का पार्ट है। एंड हबीब शुगर मिल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस, आई मीन द सब्सिडरी ऑफ हबीब ग्रुप। तो देखते हैं ये कंपनी क्या काम कर रही है। बेसिकली आपको नाम से एक अंदाज़ा हो गया, इनका जो मेन काम है वो शुगर से रिलेटेड है, शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। आज हम जिस शेयर को एनालाइज कर रहे हैं, बेसिकली इनके चार डिविजन्स हैं जिसमें शुगर आ जाता है, डिस्टिलरी डिविजन आ जाता है, टेक्सटाइल आ जाता है एंड ट्रेडिंग आ जाता है। सो दीज आर देयर बेसिकली फोर मेन बिजनेस या फोर मेन डिविजन्स जिसमें ये काम कर रहे हैं। मेजर फोकस इनका टेक्सटाइल में है, मेजर फोकस इनका शुगर में है, उसके अलावा टेक्सटाइल और दूसरे आइटम्स भी हैं इनके पास जिसका ये बिजनेस कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स एनालाइज ओवरऑल ये कंपनी और इसके जो शेयर है वो कितने अच्छे हैं, क्या इन शेयर को लेना चाहिए, हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड के शेयर्स बाय करना वर्थ है या इसको बाय नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूंगा, 4.65 बिलियन, अ मिड साइज कंपनी। और अगर मैं इसकी बीटा की बात करूं, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं स्पेशली फॉर दोस इन्वेस्टर जो मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए बीटा को जानना बहुत ज़रूरी है। बीटा से आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि शेयर कितना स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 0.37, यानी कि लेस देन 1 है, और 1 से कितना नीचे है, 0.37, विच मीन्स कि अगर स्टॉक मार्केट 10% से नीचे जाती है तो ये इस शेयर की प्राइस हार्डली 3-4% से नीचे जाएगी। सो अ वेरी स्टेबल शेयर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो है फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर। इस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये, इसका मतलब ये अगर कंपनी 10% की अनाउंसमेंट करती है तो आप 10 × 5 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 10 × 5 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10 × 5 करते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, सो जो आंसर आएगा 0.5, विच मीन्स कि 50 पैसा। अगर कंपनी ने 10% अनाउंस किया है और क्योंकि इस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो 10% डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि कंपनी आपको 50 पैसा दे रही है पर शेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अब हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को। सबसे पहले मैं बात करूंगा लिक्विडिटी रेशो की, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो 1.65 और क्विक रेशो 2.06। करंट रेशो और क्विक रेशो में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली इन्वेंट्री की वजह से होता है। क्विक रेशो में हम इन्वेंट्री नहीं ले रहे होते और करंट रेशो के अंदर हम इन्वेंट्री को भी काउंट कर रहे होते हैं। सिंस इनकी जो प्रोडक्ट है वो शुगर है और शुगर एक रनिंग आइटम है, डेली बेसिस पे इसकी बाइंग सेलिंग हो रही होती है, सो आई बिलीव कि क्विक रेशो जो है, यानी आई मीन इन्वेंट्री, इतना बड़ा इशू नहीं। अगर बहुत हाई इन्वेंट्री भी अगर ये रखते हैं सो इट्स नॉट अ बिग डील। शुगर इज समथिंग जो कि बहुत ईजिली सेल आउट हो जाता है। सो क्विक रेशो से हमें पता चलता है 1:2 का रेशो है, विच मीन्स इनके करंट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकी करंट लाइबिलिटी, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर। इसके बाद हम देख लेते हैं सॉल्वेंसी रेशो, टोटल डेट टू एसेट्स, अगेन दिस इज वेरी अट्रैक्टिव। 60% इनके जो एसेट्स हैं वो कंपनी ओन्ड हैं और 40% एसेट्स ऐसे हैं जो कि ऑन डेट, विच विल 40% जो है एसेट्स के थ्रू इनके सारे डेट कवर हो जाएंगे। सो इसका मतलब यह है कि कल को अगर कंपनी सॉल्वेंट होती है तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर है जिसका नंबर सबसे लास्ट में आता है जब उसके किसी भी कंपनी के एसेट्स सेल आउट होते हैं,
तो उसमें डेफिनेटली जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स है उसको काफ़ी कुछ मिल, एसेट्स के सेल होने से काफ़ी कुछ, काफ़ी अमाउंट, अच्छी अमाउंट मिल सकती है। सो डेट टू एसेट रेशो जो है वो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि हमें ये शेयर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से बाय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.85, जस्ट एक्सेप्टेबल। ग्रॉस प्रॉफिट 10.84%, विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। बहुत बुरा नहीं है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है। ओवरऑल कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही डिक्लाइन की तरफ रही है पिछले 2 से 3 साल की अगर मैं इनकी एनालिसिस करूँ। हालांकि 2017 से 2018 में इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दोनों इम्प्रूव हुआ था, लेकिन देन ऑन इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन की तरफ, इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ऊपर गया था लेकिन रिसेंटली दोबारा इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन की तरफ है, बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल। इक्विटी रेशो की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 60.63 रुपीज पर शेयर, विच इज अगेन अ गुड थिंग। 31 रुपये का शेयर इस वक्त चल रहा है और उसके अगर मुकाबले में अगर आप देखें तो बुक वैल्यू पर शेयर 60.63 रुपीज़ है, विच इज़ अगेन गुड। और एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इनकी बढ़ जाएगी 63.81, सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेटर। बुक वैल्यू ग्रोथ आपको नज़र आ रही है 6.78% की। सो इनकी बुक वैल्यू जो है वो भी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेड है कि बुक वैल्यू जो है फर्दर बढ़ेगी 5.25% से पिछले साल के मुकाबले। इस साल इनकी बुक वैल्यू बढ़ी 6.78% से और आने वाले दिनों में बुक वैल्यू फर्दर बढ़ेगी, विच मीन्स कि इनकी एसेट की जो वर्थ है वो बढ़ती जा रही है। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेटर कि हमें ये शेयर लेना चाहिए। अब एक नज़र हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट्स की तरफ। 2021 में साल में ये शेयर जो है सिर्फ एक बार डिविडेंड देता है। हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड जो साल में एक दफ़ा डिविडेंड देते हैं और 2021 में इन्होंने 60% का डिविडेंड दिया है। नॉर्मली जिन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है उस केस में अगर 60% से अगर हम देखें तो 6 रुपये बनता है, लेकिन क्योंकि इस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये तो 60% का मतलब हुआ कि 3 रुपये इन्होंने एज अ डिविडेंड दिया है, कैश डिविडेंड की फॉर्म में 3 रुपये दिए हैं। उससे पहले 5.5 का मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेट 2.5 रुपये इन्होंने दिया था 2020 में, और 2019 में भी 2.5 रुपये का कैश डिविडेंड दिया था, उससे पहले भी 2.5 रुपये का दिया था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए साल में ये एक बार डिविडेंड देता है और 2.5 से 3 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। इस वक्त इसकी शेयर प्राइस 31 रुपये है, सो आई कंसीडर इट अ गुड शेयर, जो कि लाइक अगर आप 30 रुपये या 28 रुपये तक में भी अगर आपको ये मिल जाता है तो आप इसको बाय करें और इसको लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से रखें, 5 साल इवन 10 साल के परस्पेक्टिव से रखें, क्योंकि ये रेगुलर डिविडेंड भी देता है और बहुत स्टेबल शेयर है, तो आपको इस बात की भी परेशानी नहीं होगी कि शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में जो अनसर्टेनिटी यानी कि शेयर की प्राइस बहुत नीचे जा रही है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत स्टेबल शेयर है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।